हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी मैराथन कम रिवीजन सीरीज, जिसमें करंटली हम यूनिट थर्ड रिवाइज कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आज इसका सेकंड पार्ट और उसके साथ ही यूनिट थर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके जेके एस एस बी स्पेशलाइजेशन के। इसका सिलेबस मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है ऑलरेडी। करंटली हमारी मैराथन कम रिविजन सीरीज चल रही है, ठीक है, एंड प्लस एमसीक्यू सीरीज भी साइड बाय साइड हमारे स्पेशलाइजेशन पार्ट की चल रही है। प्लस हिस्ट्री जो है, बस दो तीन वीडियोस रहते हैं, हिस्ट्री भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, उसकी भी प्लेलिस्ट आप मेरी चैनल पे सेपरेटली देख सकते हैं। इनकेस आपको कोई वीडियो या कोई प्लेलिस्ट मेरी चैनल पे नहीं मिलता है, मिसिंग है, तो वो कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, मैंने कुछ डिलीट नहीं किया है। अगर आप कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं तो आप उसको जो है सर्च बॉक्स में जाके टाइप करके भी ढूंढ सकते हैं, अगर मेरी चैनल पे आपको डायरेक्टली वो विजिबल नहीं होगा। फाइन, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैंने यूपीएससी ऑप्शनल सोशियोलॉजी की जो पेपर बी है, पेपर ए है, वो ऑलरेडी पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है नितिन सांगवान सर एसेंशियल सोशियोलॉजी की बुक से, एंड जो पेपर बी है उसके बस कुछ ही चैप्टर्स रहते हैं। फाइन, तो अगर आप इसमें से कोई भी एस्पिरेंट है जो इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आने वाले जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, जैसे एनटी वगैरह के एग्जाम, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें एंड मुझे कॉमेंट से बताएं आपको वीडियोज कैसे लग रहे हैं। फाइन, आने वाले टाइम में सुपरवाइजर के एग्जाम से पहले मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज लेके आऊंगी आपके लिए, जिसमें हम जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह स्पेशलाइजेशन के, ठीक है, उन पे भी एक सेपरेट वीडियो होगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 तो क्या करता है, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है एंड रेगुलेट। फाइन, ये जो एक्ट है प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन की इन सर्टन स्पेसिफिक एरियाज। कंपाइल्ड पीडीएफ में वो एरियाज जो है मैंने लिखे हुए हैं कौन से हैं, इतना आई गेस आपको इतनी डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट अगर आप याद रखना चाहते हैं तो वो पीडीएफ से आप देख सकते हैं। मेरे कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस एक्ट को अमेंड किया गया था 2016 में, यहाँ पे थोड़ा ये मिसप्रिंट है, चाइल्ड एडोलसेंट प्रोहिबिशन लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 के नाम से, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, जो 2016 में लाया गया था, कंप्लीटली प्रोहिबिट किया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन ऑल ऑक्यूपेशन, ठीक है, कंप्लीटली प्रोहिबिट किया था जो बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे हैं उनकी किसी भी तरीके की एम्प्लॉयमेंट सारे ऑक्यूपेशन में, और इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया था। दैट मीन जो भी एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉय कर रहा है बच्चों को जो 14 ईयर से कम है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी मैजिस्ट्रियल ऑर्डर, ठीक है, कोई मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर के बगैर उनको जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है, इसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। फाइन, जो 15 to 18 है, जो एडोलसेंस आएंगे, एडोलसेंस कंसिडर किए जाते हैं, वो दे आर नॉट अलाउड इन हजार्डस ऑक्यूपेशंस, ठीक। तो दो चीजें आपने इसमें देखी, जो बिलो 14 है वो सारे ऑक्यूपेशंस के लिए उनका जो लेबर है वो प्रोहिबिट किया गया है, एंड जो 14 to 18 है, जो आपके एडोलसेंट वाली कैटेगरी है जिसको हम टीन एज भी बोलते हैं, वो उनको नॉट अलाउ किया गया हजार्डस ऑक्यूपेशन। दैट मीन्स नॉन हजार्डस ऑक्यूपेशन में वो काम कर सकते हैं एंड हजार्डस में नहीं कर सकते। अब किस वाले काम में कौन सा अलाउ किया गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, एंटरटेन इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, हम देखते हैं मूवी सीरियल्स में छोटे बच्चों को काम करते हुए, एंड अगर आपका फैमिली बिजनेस है वो नॉन हजार्डस चीज में इन्वॉल्व है, वहां पे भी आप काम कर सकते हैं। फाइन, और कुछ लॉज हैं टू बैन डोमेस्टिक वर्क, ये अक्टूबर 2006 में लाया गया था कि जो बिलो 14 एज हम डोमेस्टिक सर्वेंट्स रखते हैं या हॉस्टल रेस्टोरेंट्स वगैरह में, वो भी अलाउड नहीं है। फाइन, तो ये एक रिविजन का मैराथन सीरीज है, तो ये हम जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस अगर आपको इसका डिटेल देखना है, डिटेल लेक्चर, तो उसके लिए आपको मेरी जो चैनल है उस पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से देखना होगा। आगे देखते हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, ठीक है। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है, जुवेनाइल्स को कैसे ट्रीट किया जाता था, उसके लिए हमारे पास दो चीजें थी, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी लॉ बना हुआ था एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 था, ठीक है। उसके बाद 2015 में एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया जिसने सब्स्टिट्यूट किया इन दो चीजों को, ठीक है। तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 है उसने डिफाइन किया था जुवेनाइल्स को एज बॉयज अंडर 16 वो कंसिडर किए जाएंगे जुवेनाइल, और गर्ल्स अंडर 18, ठीक है। तो जो बाद में 2015 वाला एक्ट आया जिसने सब्स्टिट्यूट किया जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी लॉ को एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 को, उसने रीडिफाइन किया जुवेनाइल्स को बिलो 18, दैट मीन्स बिलो 18 जो भी होगा उसको जुवेनाइल कंसिडर किया जाएगा। और ये भी कहा था कि जो जुवेनाइल 16 to 18 ईयर्स के बीच में होंगे, अगर वो कोई हीनियस ऑफेंस करते हैं,
हीनियस ऑफेंस, फॉर एग्जाम्पल रेप या असोल्ट, जिसमें फिर किसी की डेथ हो जाए, ऐसे कोई खतरनाक ऑफेंस जिन्होंने किए हैं उनको एज एडल्ट कंसिडर किया जाएगा, उनको एज एडल्ट उनका ट्रायल होगा। दैट मीन्स हीनियस ऑफेंस के लिए 16 अबो जो है वो एज ट्राई की जाएंगे एज एडल्ट। लेकिन अगर कोई नॉन हीनियस ऑफेंस है, कोई चोरी चकारी ऐसे छोटे मोटे चीजें की हैं, छोटे मोटे क्राइम्स किए हैं, और आप 16, आप 18 बिलो हो, तो आपको एज जुवेनाइल ही जो है वो ट्रीट किया जाएगा, एंड आपके साथ वही लीगली वही चीजें होंगी जो एक जुवेनाइल के साथ होती हैं। इसको फर्दर अमेंड किया था 2021 में, फाइन, एंड इसमें और काफी ज्यादा बाद में काफी कुछ चेंजेस आई थी जो आपको डिटेल में इतनी याद नहीं रखनी है। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होता है जो आई होती है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो लाई गई होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपने सुना होगा, ये वो बॉडीज होंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मैंशनड है कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन कोई लेके आओ या इस्टेब्लिश करो या इस्टेब्लिश की गई है और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जिक्र हुआ है। बाद में हमें एक नई बॉडी लाने की जरूरत महसूस हुई लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रेजेंट नहीं थी, तो उसके लिए एक एक्ट के थ्रू वो जो बॉडी है एक एक्ट के थ्रू ऑर्गेनाइज इस्टेब्लिश की गई, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर जो भी मिनिस्ट्री वो इस्टेब्लिश की गई थी। तो ये बनी थी 1990 में। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस किस एक्ट के अंडर लाई गई थी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये मैनेज करती है अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन सरेंडर्ड एंड अबेंडेंट चिल्ड्रन, ठीक है। तो JJA से ये रिलेटेड था जुवेनाइल से, इस वजह से यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है ये इस्टेब्लिश हुआ 1946 में, ठीक है। और इस ये पहले एक्चुअली लाया कैसे गया था, इस्टेब्लिश किस नाम से हुआ था, ये इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। एंड हमें क्या याद रखना है, यूनिसेफ ने रिसेंटली अपॉइंट किया है आयुष्मान खुराना को एज अ नेशनल एम्बेसडर। दैट मीन्स हमारा जो एम्बेसडर है यूनिसेफ का इंडिया का, वो कौन है, आयुष्मान खुराना। ये आपके करंट रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि रिसेंटली हुआ था ये, एंड देन यूनिसेफ कब इस्टेब्लिश हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, सिंस चिल्ड्रन राइट जो है हमारा एक अलग से टॉपिक दिया है सिलेबस में। ICDS इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये आया था 1975 में। ये क्या है, एक स्कीम है जो फोकस करती है न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स पे एंड प्रेग्नेंट लेडीज पे एंड जो लैक्टेटिंग मदर्स, दैट इज आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उन पे, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर, ठीक है, ये किस एक्ट के अंडर लाई है, सीपीसीआर, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005। दैट मीन्स ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो इसमें कमेटी में कौन कौन होता है, एक चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर्स। तो यहाँ पे एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन भी है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। ये शायद मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, मिस हो गया था। तो यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली क्या किया है, अडॉप्ट एक चीज अडॉप्ट की है जिसमें कहा है आप ये चीजें भी एड्रेस करोगे अगर बच्चों पे एनवायरनमेंट का जो बुरा असर पड़ता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है, ठीक है, आप उस पर भी फोकस करोगे एंड उसको एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लेके आओगे। और ये अडॉप्ट किया गया था 2003 में और इंक्लूड किया था जनरल कॉमेंट नंबर 26 में, लीगल फ्रेमवर्क टू एड्रेस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ न्यू नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013, कब अडॉप्ट की थी, 26 अप्रैल 2013 को। बिलो 18 ईयर्स इसमें जो है उनको चिल्ड्रन कंसिडर किया जाता है और 4 प्रायोरिटी एरियाज जो आपको याद रखने हैं, सर्वाइवल, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो नेशनल पॉलिसी लाई बच्चों के लिए एंड बच्चों के इन 4 प्रायोरिटी एरियाज पे इसमें फोकस किया जाएगा। आपको इसमें डेट याद रखना है एंड उसके प्रायोरिटी एरियाज कौन से हैं एंड फॉर द सेक ऑफ दिस पॉलिसी बच्चे जो हैं चिल्ड्रन वो किस एज कैटेगरी में आते हैं, बिलो 18 ईयर्स। आगे देखते हैं सोशल इविल्स, चाइल्ड अब्यूज, ठीक है। तो चाइल्ड अब्यूज हमें पता है होता क्या है, मेंटली फिजिकली सेक्सुअली अब्यूज करना बच्चों का। इसमें हम पहले इंपॉर्टेंट एक्ट देखेंगे कौन कौन से हैं, तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है क्योंकि लास्ट में हम कुछ ड्रग्स की क्लासिफिकेशन वगैरह भी डिस्कस करेंगे जो मैंने वीडियोस में डिस्कस नहीं की होंगी। पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें एक करेक्शन है, मैंने आपको कहा था बर्डन ऑफ प्रूफ विक्टिम पे होता है लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ विक्टिम पे नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉक्सो में अगर बच्चे के साथ कुछ सेक्शुअल ऑफेंस होता है, कोई करता है, तो
उसमें आता है एक चीज जिसको हम बोलते हैं रिवर्स बर्डन। रिवर्स बर्डन का क्या मतलब हुआ, जिस जो बच्चा जो इंसान इसमें इन्वॉल्व है, जिसको अक्यूज किया गया है, उसको क्या समझा जाएगा, उसको समझा जाएगा कि ये गिल्टी है जब तक वो खुद को इनोसेंट प्रूव ना करे, ठीक है। अदरवाइज उल्टा होता है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी। तो यहाँ पे रिवर्स बर्डन का रूल फॉलो होता है, दैट मीन्स गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंस, ठीक है। तो सेक्शन 29 एंड 30 ऑफ पॉक्सो एक्ट जो है प्रोवाइड फॉर रिवर्स बर्डन, वेयर अक्यूज इज प्रिज्यूम टू बी गिल्टी बाय द स्पेशल कोर्ट, ठीक है। अक्यूज जो है उसको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है, अदरवाइज हम इंडिया में फॉलो करते हैं इनोसेंट अंटिल प्रून गिल्टी, लेकिन यहाँ पे होगा गिल्टी अंटिल प्रून इनोसेंट, ठीक है। तो जो एक्ट है चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज को लेके है, इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ विद इन अ ईयर। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज केस आया है फ्रॉम द डे इट वॉज रजिस्टर्ड ये केस, ठीक है, तब से लेकर 1 साल के अंदर अंदर ये केस जो है वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए। तो इसको आगे फर्दर डिटेल में पढ़ने के लिए हम एक बार अपनी पीडीएफ की तरफ जाते हैं। पीडीएफ वेट, हाँ इसमें हम देखेंगे तो हम यहाँ से ही पढ़, क्योंकि ऑलरेडी मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो जो पॉक्सो एक्ट 2012 है उसके पॉइंट्स यहाँ पे हैं। फिर न्यू बिल लेके आए पॉक्सो, यही बिल 2019 में, उसमें क्या चेंजेस लाई एक्ट में वो यहाँ पे देखो। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस, बच्चे का यूज करो पॉर्न मूवीज वगैरह या ऐसा कोई फोटोज ऐसे कुछ लेने के लिए बच्चों को अगर आप यूज करोगे तो उसकी पनिशमेंट मैक्सिमम 5 ईयर्स थी 2012 में, और 2019 में उसको क्या किया, मिनिमम 5 ईयर्स होगी ना कि मैक्सिमम। अगर आप यूज करोगे चाइल्ड का फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस, दैट मीन्स कोई अगेन पॉर्न मूवीज वगैरह या ऐसा कुछ मटेरियल बना के लेके आओ बच्चों का, जिसकी वजह से बच्चे को सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जहां पे होगा वहां मिनिमम पनिशमेंट 10 एंड मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट, ठीक है। इस बिल में मिनिमम 10 ईयर्स इन केस ऑफ चाइल्ड बिलो 16 ईयर्स, ठीक है, अगर मिनिमम 10 ईयर्स होगा, लेकिन अगर जो बच्चा है जिसके साथ ऐसा हुआ है अगर वो 16 ईयर्स से कम का है तो 20 ईयर्स मिनिमम होगी, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पज रिजल्टिंग इन एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ज्यादा होगा तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है पॉक्सो एक्ट में एंड बिल में है मिनिमम 20, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ भी हो सकती है। यूज करो फॉर ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज रिजल्टिंग इन सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, तो मिनिमम 6 ईयर्स, मैक्सिमम 8 ईयर्स, मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। तो अगर सेक्सुअल असॉल्ट में होगा ये नॉन पेनिट्रेटिव है। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज रिजल्टिंग इन एग्रीवेटेड सोशल असॉल्ट सेक्सुअल असॉल्ट नॉन पेनिट्रेटिव, ठीक, मिनिमम 8 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स, मिनिमम 5 ईयर्स एंड मैक्सिमम 7 ईयर्स। तो ये आपको क्या करना है यहाँ से, अगर ये आपको याद कर लेना है थोड़ा बहुत, क्योंकि पॉक्सो चाइल्ड अब्यूज में काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो वो आपको याद करना होगा, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी मैंने इस जो रिविजन ये है इसमें काफी फिल्टर आउट किया है, जो मेन मेन चीजें हैं वो इंक्लूड करी हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी फॉर्म्ड अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट एनी चाइल्ड अब्यूज विद इन 14 ईयर्स बाय द पुलिस ऑफिसर। कोई भी चाइल्ड अब्यूज हुआ है तो विद इन 24 आवर्स पुलिस ऑफिसर को क्या करना होता है, इस कमिटी को इन्फॉर्म करना होता है। रिसेंट इसमें क्या है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है उनको रिसेंटली कॉन्टिन्यू करने के लिए बोला गया है फॉर 3 मोर ईयर्स टिल 2026। ये होते क्या है, इनका एम क्या होता है, फासन करना जो भी ट्रायल प्रोसेस है फॉर द केसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, ताकि ये जो केसेस हैं सेक्सुअल ऑफेंस के रिलेटेड ये जल्दी से आप डिस्पोज ऑफ कर सको और जल्दी से इनका जो ट्रायल वगैरह है वो शुरू हो जाए। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट इन 2018 लाया गया, इसमें क्या था, पनिशमेंट्स को ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया एंड डेथ पेनल्टी फॉर रेप ऑफेंडर्स इसमें इंक्लूड की गई, ठीक है। अगर ये आपको डिटेल में पढ़ना है, अगेन जैसे मैंने अभी आपको वो वाला पॉक्सो वाला एक्ट पढ़ाया वही वैसे ही एक टेबुलर फॉर्म में मैंने कंपाइल्ड पीडीएफ में ये भी दिया हुआ है, वहां से आप वो देख सकते हैं। सीबीआई ने सेटअप किया है एक ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन ये सारी चीजें हैंडल होंगी और इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है ये कहाँ पे होगा, अक्रॉस द कंट्री। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या आ सकता है, आपको फॉर एग्जाम्पल ऑक्से लिखा होगा एंड ऑप्शन में होगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड है। जो भी ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन होती है ये उसको ओवरलुक करेगा, ठीक है, ऑक्से याद रख लेना। आगे देखते हैं फीमेल फिटिसाइड।
फीमेल फीटिसाइड होता है जब हम अबॉर्ट करते हैं फीमेल फीटिस को इन द वोम, ठीक है, जैसे कोई अबॉर्शन वगैरह अपना करवाए तो वो केसेस होते हैं फीमेल फीटिसाइड के। इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, PNDT एक्ट, जिसको बोलते हैं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, 1994 में लाया गया था। लेकिन कई बुक्स में इसको PCPNDT एक्ट करके भी मेंशन किया हुआ है। एक्चुअली इस एक्ट को बाद में क्या किया था, अमेंड किया गया था 2003 में, बाद में PNDT एक्ट को बनाया गया था PCPNDT एक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे PCPNDT क्यों लिखा है, क्योंकि कई बुक्स में 1994 वाले एक्ट को भी एज PCPNDT मेंशन किया गया है, अदरवाइज 1994 में इसको सिर्फ PNDT बोला जाता था। तो ये क्या प्रोहिबिट करता था, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की कोई भी आप ये पहले पता करने की टेक्निक जो है उसको प्रोहिबिट किया गया था कि वोम में जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है। इसको अमेंड किया गया था 2003 में टू इम्प्रूव द रेगुलेशन, क्योंकि हम 1994 से जैसे जैसे 2003 में आए वैसे टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा एडवांस हो रही थी, फाइन। तो उन चीजों को रोकने के लिए, टेक्नोलॉजी जो भी थी उसको आगे प्रोहिबिट करने के लिए इस एक्ट को अमेंड करने की जरूरत पड़ी। तो किस लिए अमेंड किया गया था, टू इम्प्रूव द रेगुलेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज इन द सेक्स सिलेक्शन। तो क्या हो सकता है इसमें, जेल अप टू 3 ईयर्स और फाइन अप टू 10,000 रुपीज। तो अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस लाई गई, प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन। अब देखो आप सोचोगे प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन ये कैसे हो सकता है कि पहले से सेक्स सिलेक्ट करो, तो बेसिकली टेक्निक है जिसको स्पर्म सॉर्टिंग बोलते हैं, स्पर्म सॉर्टिंग, ठीक है। इसमें स्पर्म सॉर्टिंग में बेसिकली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, हमने स्कूल्स में पढ़ा है कि फीमेल क्रोमोसोम XX होता है, मेल XY होता है, तो फीमेल का हमेशा एक्स ही रिलीज होगा, तो मेल का एक्स रिलीज हो या वाई रिलीज हो उस चीज को मैनिपुलेट किया जाता है इस टेक्निक में। तो इसके काफी प्रोसेसेस हैं, एग्जाम में भी आई गेस आया हुआ है प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन टेक्निक को लेके क्वेश्चन। तो इसके अंडर काफी इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं, जैसे आपका एरिक्सन मेथड, तो वो स्पर्म सॉर्टिंग के अंडर ही आता है, ठीक है। तो मुझे किसी ने क्वेश्चन भेजा था कि किसी किसी साल शायद ये वाला क्वेश्चन आया था पिछले ईयर में, शायद मेरे से मिस हो गया, अदरवाइज हमने PYQ जो है लास्ट ईयर का वो भी डिस्कस किया हुआ था, ये क्वेश्चन शायद मिस हो गया था। तो इसका आंसर वहां पे एरिक्सन मेथड है, जो वहां पे एरिक्सन मेथड एक्चुअली लिखा हुआ है वो स्पर्म सॉर्टिंग के अंडर ही आता है, ठीक है, उसमें उसके अंडर की टेक्निक आती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, आपको लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आपको इस टाइम पे उस क्वेश्चन के डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन चाहे जितनी भी हो, मान लो इक्का दुक्का ऐसे सवाल होंगे जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, तो इट्स बेटर इंटेलिजेंट गेसिंग से अगर सॉल्व कर सको तो कर लो, अदरवाइज लीव दैट। उन क्वेश्चंस के पीछे एक स्टैंड आउट स्टैंड अलोन टॉपिक के पीछे इस टाइम पीछे भागना जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मेजोरिटी से गलत होने वाला है, तो वो क्वेश्चन आपका मेरिट डिसाइड नहीं करेगा। मेरिट हमेशा इंसान के इजी क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, जो क्वेश्चन मेजोरिटी सही करके आता है वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। वहीं पे आपका जो है ये, वहीं पे जो भी स्टूडेंट है उसके सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। अल्ट्रासाउंड से भी हम डिटर्मिन कर सकते हैं एमनियोसेंटोसिस, एमनियोसेंटेसिस, इसका भी शायद क्वेश्चन आया था पिछले साल ही लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, जो बच्चा वोम्ब में होता है वो दरअसल एक एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, तो उस फ्लूइड का सैंपल लेके वहां से भी आप सेक्स डिटर्मिन कर सकते हो। और इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, एम्पावर किया गया था सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड को, जो इन सब चीजों को ओवरलुक करे, कि स्टेट में भी ऐसे सुपरवाइजरी बोर्ड जो है वो एस्टेब्लिश करें। और फॉर्म किया गया था एक नेशनल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, मॉनिटर करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ठीक है। और ये एक्ट भी जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दैट मीन्स मजिस्ट्रियल ऑर्डर के बगैर आपको पुलिस ऑफिसर जो है वहां पे ही सामने अरेस्ट कर सकता है विदाउट गेटिंग एनी ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। अदर इनिशिएटिव्स जो लड़कियों के लिए लाए गए ताकि फीमेल फिटिसाइड को रोका जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों को एम्पावर करने के लिए और इशू करने के लिए डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, नेशनल प्लान फॉर द एक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2016 में लाया एलिमिनेट करने के लिए जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन को, और सेक्स रेशियो जो है 2011 में वो क्या था, 943 बाय 1000 मेल्स, एंड जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का वो क्या है, 919 पर 1000 मेल्स, ठीक है, मतलब इतनी फीमेल्स हैं इतने मेल्स के लिए, ये इसका मतलब होता है, इतने मेल्स से कंपेरिजन में इतनी ही फीमेल्स हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है एक बाद में आप क्या करते हो, एक तो आपका फीमेल फीटिसाइड है, फीटिस के अंदर जो है वो अबॉर्शन करते हो और फीटिस को किल करते हो, उसके बाद जब बेबी पैदा हो जाती है फिर वो 0 to 1 ईयर्स के बीच में अगर उसको मार दिया जाए दैट इज फीमेल फीटिसाइड। और
ये डिफाइन किया है किलिंग इन्फेंट 0 to 1 ईयर, ये आता है आपके सेक्शन 315 और ऑफ आईपीसी। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज एक सुननी है, जो आईपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट है और सीआरपीसी है, ठीक है, उसको उसमें चेंजेस लाई गई रिसेंटली। अगर वो बिल तक ही रहता तो हमें इतना उसमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं थी स्पेशलाइजेशन के पर्पज से, करंट में तो आपको पढ़ना ही था वो, लेकिन अब वो एक्ट बन गया है और उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके स्पेशलाइजेशन से भी रिलेटेड हैं, क्योंकि उसमें वुमेन राइट और चाइल्ड राइट को लेके भी कुछ चेंजेस हुई हैं। तो हमें क्या करना है, जहां पे मैंने फीमेल इन्फेंटिसाइड में आगे हमने कुछ आईपीसी के सेक्शंस वगैरह देखे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम वो रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस कम है, क्योंकि इसको अब रिप्लेस कर दिया गया है। और जो मेजोरिटी ऑफ चीजें आईपीसी में है, वही चीजें जो है आप उनमें भी देखोगे, ठीक है, जो नई लॉज लाए हैं उनमें भी आप वही चीजें देखोगे, मेजोरिटी चीजें, लेकिन चूंकि चेंज आ चुकी है तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आईपीसी से आपको वो ना पूछें इस बार। लेकिन अगर आपके पास टाइम है एंड आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आपको बताए हैं वो आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये सारे सेक्शन, सेक्शन 313, 314, 315, 316, ठीक है, कुछ सेक्शन है यहाँ पे लिखे हुए, ज्यादा भी नहीं है, तो वो आप कंपाइल पीडीएफ से देख के एक बार ही क्या कर लोगे, वो रिवाइज कर लोगे। एंड जिसको वो नहीं करना है तो आप चाहो आप छोड़ भी सकते हो, अगर आपका जो मेन मेन पोर्शन है अभी काफी रह रहा है तो ये छोटी चीजें आप छोड़ सकते हो इसमें। अब जो आईपीसी को रिप्लेस किया गया, जैसे आपका आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लाया गया, ठीक है, तो ये इसमें कुछ चेंजेस लाई गई इंपॉर्टेंट जो आपके विमेन एंड चाइल्ड से भी रिलेटेड है, फाइन, तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाता है, आपके लिए स्पेशलाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी जो स्पेसिफिकली इन एक्ट्स को कवर करेगा जो आपके स्पेशलाइजेशन के सिलेबस के साथ अलाइन करता है, ठीक है, वो सेपरेट वीडियो में कवर होगा, वो यहाँ पे हम जो है ये डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। अब लॉज अगेंस्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 से सेक्शन 312 to 316, मिसकैरेजेस एंड ऑफेंस अगेंस्ट अनबॉर्न एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड के रिलेटेड है, ये आप कंपाइल पीडीएफ से देख लोगे, अगर जिसने पढ़ लिया है एक बार ही देख लेना, जिसे नहीं पढ़ा है तो आप छोड़ भी सकते हो। सीएसआर जेएनके का देख लेते हैं, 2011 में था 862 एंड 2001 में था 941, दैट मीन चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है हमारा डिक्लाइन कर रहा है, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड के केसेस यहाँ पे भी पड़ रहे हैं। थर्ड वो स्टेट कंसिडर की जाती है आफ्टर पंजाब एंड हरियाणा, हमारा प्यारा जेएनके। नेक्स्ट देखते हैं ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो 2022 की है, इसने कहा कि रफली 209 मिलियन पीपल जो है वो यूज करते हैं कैनबीज, 69 मिलियन पीपल ओपियोइड्स इन 2020 थे, ठीक है, तो ये एक डेटा है। कैनबीज हो गया आपका भांग, ठीक है, एंड ओपियोइड्स आपका ओपियम वगैरह। जो ओपियम है इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता था पहले, सिंस 1000 AD, तो एंशियंट टेक्स्ट में भी मेंशन था, किस नाम से मेंशन था, धन्वंतरी निघंटु, ये नाम याद रख लेना। इसको एज ए रेमेडी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स भी यूज किया जाता है, तो इसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी बोलते हैं, जो ड्रग आपका एक मेडिसिनल वैल्यू रखता है उनको, ठीक है, तो वो मैंने टुवर्ड्स द एंड इंक्लूड किया हुआ है, इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। जो अकबर है उनके टाइम पे ओपियम कल्टिवेशन हुआ करती थी मालवा मध्य प्रदेश एंड मेवाड़ राजस्थान में, ठीक। अब हमें क्या देखना है इसमें, ड्रग रिलेटेड लॉज देख लेते हैं। जो ओपियम एक्ट है 1857, 1876, 1878 के, ये कंट्रोल करते थे कल्टीवेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम, ठीक है, ये कंजम्पशन के रिलेटेड नहीं था, दैट मीन्स कोई चाहे तो कंज्यूम कर सकता है लेकिन आप उसको मैन्युफैक्चर या कल्टीवेट नहीं कर सकते। फिर आपका ये आपके जो है ये कॉलोनियल एरा के ये है एक्ट रिगार्डिंग ओपियम यूज। तो फिर आगे आपका डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, इसने किस चीज को प्रोहिबिट किया, ड्रग कलेक्शन कल्टिवेशन मैन्युफैक्चर सेल पोजेशन ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन को फॉर ड्रग्स डेराइव फ्रॉम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल योर पॉपी हेम्प कोकोआ। इसमें कोई भी ऑफेंस जो है वो कैनबीज से या ड्रग्स कंजम्पशन से रिलेटेड नहीं था। तो अगर एग्जाम में आपको एक्ट दिया जाए फिर ऐसा उसमें कोई पॉइंट हो कि इस एक्ट ने प्रोहिबिट किया कंजम्पशन ऑफ ओपियम या कंजम्पशन ऑफ दिस फॉलोइंग ड्रग या यूज ऑफ कैनबीज, तो आपको पता होना चाहिए। जो भी हमने यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस एरा कॉलोनियल एरा के जो भी हमने यहाँ पे एक्ट पढ़े हैं, इन्होंने ड्रग कंजम्पशन को अभी तक प्रोहिबिट नहीं किया था। फिर आगे देखते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट DCA 1940, ये भी प्री इंडिपेंडेंस है।
इसने रेगुलेट किया मेडिसिन यूज को, इंक्लूडिंग डोज डेवलप फ्रॉम कैनबीज एंड ओपियम. इनसे जो भी मेडिसिन निकलेगा, डिराइव होगा, उसको कैसे यूज करना है, किस क्वांटिटी में, किस अमाउंट में यूज करना है, ये उसकी रेगुलेशन थी. अभी भी हमने कहा कोई भी कंजम्पशन की बात यहाँ पे नहीं करी है. फिर इंडिपेंडेंस के बाद हमारा एक्ट था, एक इम्पॉर्टेंट काफी एक्ट जो हमें पढ़ना है, इसको शॉर्ट में एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट. ठीक है, तो ये जो एक्ट है इसमें तीन कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो है वो इंक्लूड होती हैं. एक हुआ आपका नारकोटिक ड्रग्स, एक हो गया साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, एक है आपका कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस. तो नार्कोटिक ड्रग्स कौन से होते हैं, जो आपके पेन को डल करने के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, अगर किसी भी चीज की वजह से आपकी बॉडी में पेन जनरेट हो जाती है तो ये उसके इफेक्ट को डल कर देता है. साइकोट्रोपिक होता है जो आपकी मेंटल एक्टिविटीज को डिसबैलेंस कर देता है. डिसबैलेंस, जैसे आपने सुना होगा किसी के बारे में से बोला जाता है कि ही इज हाई, अगर वो बातें जो है वो सही से नहीं करे, अगर बिना मतलब की बात करे, ठीक है, रियलिटी में नहीं रहे उस टाइम पे, प्रेजेंट कनेक्ट नहीं कर पाए खुद को रियलिटी से, ऐसे बोला जाता है कि ही इज हाई. तो वो बेसिकली किन से होता है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से. एंड कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, वो केमिकल्स वगैरह जो आप ड्रग्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एफिड्रीन एंड स्यूडो एफिड्रीन. तो आप क्या करोगे, ये एग्जाम्पल्स भी थोड़ी बहुत याद रख लेना, क्योंकि कभी इन एग्जाम्पल्स को लेके ही एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है. तो ये प्रोहिबिट क्या करता है, कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेड, यूज एंड कंजम्पशन. अब कंजम्पशन हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे पढ़ा साइकोट्रोपिक एंड नार्कोटिक्स में, एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक एंड मेडिसिनल पर्पज, दैट मीन्स इन दो चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो. अब कैनबीज भांग जो है इससे एक्सक्लूडेड है एंड इज रेगुलेटेड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. तो इस एक्ट में क्या आया था कि कैनबीज को अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद देखेंगी. तो जो कंजम्पशन ऑफ भांग है इस एक्ट में क्या हुआ था, कंजम्पशन ऑफ भांग, जो भांग है वो आप दो जगहों से बना सकते हो. एक तो आप लीव से बना सकते हो वो, ठीक है, या उसके स्टेम से और सीड से. सीड से इस एक्ट में फर्दर ये कहा है, जो कैनबीज है भांग, इसको कौन रेगुलेट करेगा, इसको रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स रेगुलेट करेंगी कि इसको कितने कैसे फॉर्म में यूज करना है. अब जो भांग है उसका कौन सा हिस्सा लीगल बनाया है इस एक्ट ने, भांग का वो हिस्सा जो उसके लीव से बनता है. ठीक है, तो मैंने आपको कंपाइल पीडीएफ में इसकी डायग्राम भी दिखाई है और लेक्चर्स में. तो जो हम लीव से पार्ट बनाते हैं भांग का, वो लीगल है, लेकिन जो भांग के ऊपर उसके जो टॉपिंग से, फ्रूट टॉपिंग से जो हिस्सा बनता है वो इलीगल है. ठीक, तो ये भी याद रख लेना. फिर इस एक्ट को फर्दर अमेंड किया गया 1989 में. पहले उसमें क्या किया गया, जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनके लिए डेथ पेनल्टी लाई गई, कहा कि मैंडेटरी है उनके लिए डेथ पेनल्टी या फिर 10 इयर्स जेल, और बेल देने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाई गई एंड स्पेशल कोर्स एस्टेब्लिश किए गए जो जल्दी से जो ये केसेस हैं वो सुन सके. 2001 में क्या किया, क्वांटिटी बेस्ड सेंटेंसिंग लाई गई कि जिसके पास जितनी क्वांटिटी में ड्रग आपको मिलेगा उसको अकॉर्डिंगली उतनी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए. आप न्यूज में देखोगे जैसे आर्यन केस आया था, आर्यन शाहरुख खान के बेटे का, तो फिर तब यही फाइनली बोला जाता है ना कि इतने ग्राम्स में बरामद हुआ, इतने ग्राम्स में उनके पास मिला. तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि क्वांटिटी बेस्ड सेंटेंसिंग जो है वो 2001 अमेंडमेंट में लाई गई थी. 2014 में नई कैटेगरी लाई गई असेंशियल नारकोटिक ड्रग्स, जिसने रेगुलेट किया असेंशियल नारकोटिक ड्रग्स को. ठीक है, प्रमोट किया मेडिसिनल एंड साइंटिफिक यूज को इन ड्रग्स के लिए, एंड टर्म्स लाइक मैनेजमेंट एंड रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रीटमेंट सेंटर्स, ये सारे जो चीजें हैं ये इंक्लूड की गई 2014 अमेंडमेंट में. और जो डेथ पेनल्टी है उसको डिस्क्रिशनरी बनाया गया. इसका क्या मतलब हुआ कि वो केस टू केस बेस पे डिसाइड होगा कि डेथ पेनल्टी देनी है कि नहीं. ऐसा नहीं है जैसे 1989 के अमेंडमेंट में मैंडेटरी कर दिया गया था डेथ पेनल्टी को. नेशनल पॉलिसी ऑन एनडीपीएस 2012, जिसने क्या कहा कि एस्टैब्लिश किए जाएंगे सेवरल डी एडिक्शन सेंटर्स, वो प्राइवेट लेवल पे भी होंगे एंड स्टेट लेवल पे भी होंगे. एंड जो प्राइवेट लेवल पे भी होंगे उसकी गाइडलाइंस कहाँ से आएंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. फिर आगे आपका और एक स्कीम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस ड्रग अब्यूज 1985, ये किसके अंडर थी, एमओएसजी, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है, और इसको रिसेंटली मर्ज किया गया नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन NAPDDR 2018 से. तो इसमें आपको ये जो ये है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ये पूरा आपको डिटेल में अगर आप नहीं भी पढ़ो तो काफी इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं, वो आपको सारे डिटेल में नहीं पढ़ने क्योंकि वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं.
अगर कोई स्पेसिफिक होता है, जैसे कोई स्पेसिफिक किसी एक कैटेगरी ऑफ पीपल किसी एक एज कैटेगरी के लिए लाया गया, तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जो जनरलाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, देखो अगर ऑप्शंस में भी एग्जाम में किसी एक स्कीम के कुछ आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स लगेंगे जनरल जैसे हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो यूजुअली उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। जैसे अगर कोई स्पेसिफिक होगा, जैसे किसी टारगेट पॉपुलेशन के लिए लाया गया या किसी टारगेट पर्पज से लाया गया, तो वो आपको अलग से याद रखना है। तो इसके काफी जेनेरिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन कुछ बॉडीज इस्टेब्लिश की गई थी वो हम कंपाइल्ड पीडीएफ में देखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने सारी डिटेल में पढ़ी हुई हैं, इनके नाम वगैरह जो है वो कंपाइल्ड पीडीएफ में है। तो मेरे लिए भी काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है हैंड रिटन नोट्स, तो थोड़ा थोड़ा काम आपको खुद भी जल्दी से करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे ये पढ़ी है, ठीक है, IRCA, ATF, CLPIN, SLCA, ODIC, तो ये 6 एटलीस्ट अगर आप याद रखोगे, इनके सारे फुल फॉर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फाइन, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो कंपाइल्ड पीडीएफ से, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, नशा मुक्त भारत अभियान ये लाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बाय 2020। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, जहां से सप्लाई आती है ड्रग्स की उसको रोकना बाय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो डिमांड है लोगों में ड्रग्स की उसको रिड्यूस करना थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग्स वगैरह, ठीक है, एंड जो ट्रेनिंग सेंटर्स हमने अभी पीछे देखे थे IRCA, ATF वगैरह, उसको एस्टैब्लिश करना, ठीक है, और ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम DDAP ये लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 1988 में। तो इसके अंडर 30-बेडेड डी एडिक्शन सेंटर्स 6 हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशंस में कहाँ तक खोले जाएंगे, एंड बाद में स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को भी इसके एम्बिट के अंडर लाया गया था। इसका NDDTC इसका नोडल सेंटर है, दैट इज नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, ठीक है, और इसके अंडर एक DDAP जो है, इसके अंडर आपको एक तो क्वालिटी हेल्थ केयर वो प्रोवाइड होती है, एंड इसके अंडर एक ड्रग अब्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है जो भी इससे रिलेटेड होगा ड्रग अब्यूज से उसकी। फिर MHCA आगे 2016 में, दैट इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है मेंटल हेल्थ केयर, क्योंकि जो SUD है, दैट इज सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिसमें आपके ड्रग्स कंजम्पशन या अल्कोहलिज्म वगैरह वो इंक्लूड होता है, तो इस एक्ट ने क्या कहा था, इस एक्ट ने कहा था कि जो SUD है जिसमें आपके ड्रग अब्यूज भी आएगा उसको इंक्लूड करो इन द डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस। जब किसी चीज को मेंटल इलनेस के अंडर इंक्लूड किया जाता है उसका मतलब वो कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन वो एक हेल्थ प्रॉब्लम कंसिडर की जाएगी, क्योंकि ड्रग अब्यूज जो है वो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो ड्रग सप्लाई हो रही है ना। फाइन, तो कहीं पे कोई लॉ ब्रीच हुआ है जो ड्रग्स आ गए हैं स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसको लॉ एंड ऑर्डर की तरह नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसको किस किस एंगल से देखा जाएगा, उसको हेल्थ प्रॉब्लम समझ के ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो उनके साथ क्या होनी चाहिए, उनके साथ एक एम्पथी होनी चाहिए इन ट्रीटमेंट सेंटर्स में उन लोगों के साथ जो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो एम्पथेटिकली उनके इशू को रिजॉल्व करना है और ना कि इसको एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझ के। फिर RPWD एक्ट, दैट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसने क्या कहा, ये क्या कहता है, कहता है जो भी मेंटल इलनेस जिनको भी होगी उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सिंस SUD भी एक मेंटल इलनेस कंसिडर की गई थी MHCA एक्ट में, दैट मीन जो SUD इसी ड्रग अब्यूज वगैरह प्रॉब्लम या अल्कोहलिज्म इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है उनको भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन जो है वो दी जाएगी। उससे फिर क्या होगा, वो बेनिफिशरी बनेंगे किन स्कीम्स वगैरह की, या कोई बेनिफिट्स उनको गवर्नमेंट फर्दर दे सकती है, जैसे फ्री में उनकी ट्रीटमेंट वगैरह करवाना। फिर आ गया आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना, यहाँ पे इसका काम इतना ही है कि रिसेंटली मेंटल इलनेस को भी लाया गया, मेंटल इलनेस को अंडर एम्बिट ऑफ PMJ लाया गया है। अब मेंटल इलनेस इस स्कीम के अंडर आ गई, दैट मींस मेंटल इलनेस में जो भी चीजें होंगी, जिन जो लोग इस चीज से गुजर रहे होंगे वो बनेंगे बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम, और मेंटल इलनेस जो SUD जिनको होगा वो भी मेंटल इलनेस कंसिडर की जाएगी, दैट मीन जो भी ड्रग एडिक्ट्स वगैरह होंगे वो बनेंगे ऑटोमेटिकली बेनिफिशरीज ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको PMJ इन शॉर्ट में बोला जाता है। एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम है जो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, एंड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिशरीज को प्रोवाइड करता है, ताकि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जैसे अचानक से कोई बीमार हो गया एंड उस टाइम उसके पास पैसे नहीं है वो खर्चने के लिए, या अगर वो उस पर पैसे लगाता है तो उसके लिए काफी वो जो है वो इकोनॉमिकली काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो उन सब चीजों को कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है अंडर PMJ।
और यहाँ पे एक प्रोग्राम है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 2012, ये एक टोल फ्री नंबर देता है जिसपे कॉल करके जो है हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह अवेल इंसान कर सकता है। इसका नोडल सेंटर कहाँ है, निमहांस बेंगलुरु में, एंड इसमें एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है टू सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर वाली जो प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी। J&K के कुछ फैक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट ने क्या कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन लोग जो है यहाँ पे वो ड्रग एडिक्ट्स हैं J&K में, ठीक है। 2023 की स्टडी इमहान श्रीनगर की, उसने कहा प्रिवेलेंस ऑफ हेपेटाइटिस सी जो है वो 72% है ड्रग यूजर्स में इन कश्मीर, ठीक। एंड ये कुछ डेटा है कैनबीज कितने कंज्यूम करते हैं, ओपियोइड्स कितने कंज्यूम करते हैं, एंड जो ओपियम इंडिया में यूज होता है वो ओपियम पॉपी प्लांट से डिराइव होता है, ठीक है, ओपियम पॉपी। मागाम इमामबाड़ा जो है वैली का पहला रिलीजियस सेंटर है जिसने टू मेक स्क्रीनिंग टेस्ट किट्स अवेलेबल फॉर लोकल पीपल, जिससे वो स्क्रीन कर सकेंगे कि ड्रग्स लिए हैं या नहीं। J&K पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना जो है वो फर्स्ट स्कूल है टू इम्प्लीमेंट अ ड्रग पॉलिसी, ये भी पता होना चाहिए। और जो इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, दैट इज 26 जून, अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये डेट। एंड जो नेशनल एंट्री ड्रग एडिक्शन डे है दैट इज योर 2 अक्टूबर, वो उस दिन क्या होता है, गांधी जयंती, जिस दिन ये पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये 2 डेट्स याद रख लेना, इंटरनेशनल वाली कौन सी है, नेशनल वाली कौन सी है। ये इंडिया का मैप है एंड यहाँ पे जो है इंडिया के ईस्टर्न साइड से कंसिडर किया जाता है ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। इन दो एरिया से सबसे ज्यादा जो ड्रग्स हैं वो इंडिया में एंटर होते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल में क्या क्या आता है, बर्मा, थाईलैंड, लेओस एंड वियतनाम। एंड ये वाला जो एरिया है इंडिया के वेस्ट साइड से जो कंट्रीज है, ये आ गया गोल्डन क्रिसेंट, इसमें आ गया ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब कुछ क्लासिफिकेशन ड्रग्स, ये हमें पीडीएफ में नहीं है ना लेक्चर में बोला है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। नार्कोटिक्स जो है उसमें कौन कौन सा आता है, ओपियम, मॉर्फिन, हीरोइन। ओपियम में कौन कौन से अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट है, मॉर्फिन, कोडीन, थायबीन, नार्कोटीन एक्ट, पेपरवरीन। एंड डिप्रेसेंट्स जो होते हैं जो डल करते हैं पेन को, ठीक है, वो हो गया आपके बारबी बार्बिट्यूरेट्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। एंड स्टिमुलेंट्स होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो डिप्रेशन को ऑपोजिट होते हैं, दैट इज जो एम्फेटामिन एंड कोकेन। आगे है आपका हेल्यूसिनोजन, ये कौन से होते हैं जो आपके मेंटल एक्टिविटीज को डिसबैलेंस कर देते हैं, इसमें आगे आपके LSD, लाइसर्जिक एंड डाइएथाइलमाइड, चरस, गांजा, मेस्कलीन, ठीक है, ये सारे। एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन से होते हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ रेगुलेटेड अमाउंट में, ठीक है, तो इनका कितना क्वांटिटी आपको यूज करनी है, तो वो सारी रेगुलेशन जो है वो अथॉरिटीज करती हैं। ओपियोइड्स इसमें कौन कौन सा, कोडीन, ऑक्सीकोडीन एंड मॉर्फिन। CNS दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, योर ब्रेन वगैरह, उनके डिप्रेसेंट्स बारबी बेरीब्यूरेट्स एंड बेंजोडाइजपिन। एंड स्टिमुलेंट्स इज योर डी डेक्स्ट्रो एम्फिटेमीन एंड मिथाइल फिनाइडेट, ठीक है। तो लंबे लंबे सारे नाम है, आप याद रख लेना, हो सकता है क्लासिफिकेशन ड्रग्स या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे आपका यूनिट 3rd का रिविजन भी कम्प्लीट होता है, तो इसमें चांसेस हैं कि अगर आपको कोई जनरल सा क्वेश्चन आता है, सोशल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, तो वो आप अपनी समझ से आंसर कर लोगे, लेकिन अगर ये जो फैक्चुअल वगैरह आएंगे तो ये आपको याद रखने हैं जरूरी, फाइन। तो यहाँ पे आपका ये कवर हो जाता है यूनिट 3rd, जल्दी मैं यूनिट 4 लेके आऊंगी एंड आपके MCQ के वीडियोज भी। मुझे लगता है पहले आपका रिविजन कम्प्लीट होना चाहिए, उसके बाद MCQ सीरीज जो है वो मीनिंगफुल रहेगी। तो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।